तुम्हारा फेवरेट टी आ चुका है, तुम्हारा फेवरेट ग्लास और मेरा फेवरेट कप। फाइनली मोटी दिखाई आप लोग को, दिखा रहे थोड़ा कैसा लग रहा है। तो गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन भी आ गए और जोशी जा रही है इधर। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये रहा मेरा कपड़ा, मैंने पहना है ये चप्पल और ये ड्रेस और ये बैग। तो अभी मैं निकल रही हूँ मेरा रोड जाने के लिए, वहाँ पे मामा है, हेलमेट पहन रहा है मामा, मेरे को छोड़ने वाला दहीसर स्टेशन पे आके गया मामा, दहीसर स्टेशन पे छोड़ेगा। मैंने आयास को ऑलरेडी बोल दिया कि मैं निकल गई हूँ, तो अभी आयास मुझे डायरेक्ट मिलेगा मीरा रोड स्टेशन पे, वो मुझे लेने आएगा। एंड फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आयास को भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। चलो अभी फटाफट से निकलते हैं। तो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, और अभी 3 बज रहे हैं और मैंने देखो बाल पूरा छोटे छोटे करा लिया है, बिकॉज वो बड़े बाल मेरे को एकदम इरीटेट हो रहा था गाइस। तो आज संडे भी है और जोशी आ रही है, जोशी रास्ते में है और मैं आज बोरोली गया नहीं, तो वो मीरा रोड आ रही है। तो अभी चलो जाते हैं स्टेशन पर, उसको मिलते हैं, फिर आगे बने रहो। और आज का संडे देखो हमारा कैसा दिखता है, मतलब सुबह तो हो ही गए, दोपहर चालू हो गए। तो चलो फटाफट से जाते हैं, जोशी को मिलते हैं, फिर देखते हैं आगे। तब तक के लिए बने रहो, लेट्स गो गाइस। तो मैं मीरा रोड पहुँच गई हूँ, मैं अभी आपको आयास को दिखाती हूँ। तो आयास बाइक चला रहा है। हेलो दोस्तों। तो गाइस आयास अभी यही व्लॉग में आपको दिखेगा, तो उसका जो क्लिप है, आज हम लोग बहुत लेट मिले, क्योंकि आयास पूरा हफ्ता ट्रैवल करता है, इतना दूर जाता है तो बेचारा थक जाता है, फिर सुबह सुबह अपना नींद मार के जिम जाता है अपना बॉडी का एकदम हेल्थ तंदुरुस्त रखने के लिए। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं जूडियो, तो जिसका मैंने आपको बोला था कि मैं आगे बताऊंगी, आयास को नहीं पता है, तो अभी उसको मैंने बता दिया है कि हम लोग जा रहे हैं जूडियो। ओके, मेरा शॉपिंग सेंटर, मेरा बच्चे आ रहा है भाई, देखो शॉपिंग सेंटर नहीं यार, जो कि सब बच्चे आले जी का बच्चे, हमारा फीस जो है वो सेम डे पे आता है, तो आयास लगती है देखो लगी। तो चलो अभी फटाफट से जाते हैं स्टूडियो में, क्योंकि मेरे को पहले मैंने सोचा था कि आयास बोरवली आने दो, फिर आए बोरवली से हम लोग खरीदेंगे, लेकिन जब लास्ट टाइम गए थे ना इसके लिए चप्पल लेने और स्नीकर्स वगैरह का कंफ्यूजन हुआ था, बट इतने अच्छे स्टॉक मेरे को लगे नहीं, जो कि नया आया था बट स्टिल। तो मेरे को ये बड़े वाले स्टूडियो में जाके देखना था कि यहाँ पे क्या है। तो चलो अभी फटाफट जाते हैं मैक्सिस के इधर वाला भाईंदर वाला स्टूडियो, एंड देखते हैं कि आयास को हम लोग क्या दिलाते हैं बर्थडे गिफ्ट, एंड उसको क्या पसंद आता है ना आयास। हम लोग स्टूडियो के बाहर पहुंच गए, वो रहा स्टूडियो, ये रहा सबसे बड़ा वाला स्टूडियो, और ये रहा टू बी बर्थडे बॉय, है ना, 24 साल का होगा ना, 24 का बुड्ढा बॉडी देखो। तो गाइस मैं सोच के आई थी कि यहाँ पे मेरे को ज्यादा अच्छे कलेक्शन मिलेंगे आयास के लिए, बट यहाँ पे अच्छे कलेक्शन है ही नहीं, सिर्फ आयास के लिए, तेरे को नहीं। हाँ तो बर्थडे बॉय तुम हो ना, तो ले रही है तो बता। हाँ तो मैं लूंगी, बट मैं सिर्फ तभी लूंगी जब मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा, तो वरना सिर्फ बर्थडे बॉय शॉपिंग करेगा ना, मैं क्यों करूँगी शॉपिंग। तो चलो अभी आयास जा रहे हैं हम लोग कहाँ, नया नगर वाले वीडियो पे चलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। तो चलो अभी नया नगर वाले में जाते हैं, बट वहाँ पे गर्दी नहीं होना चाहिए ताकि हम लोग को चेंज कर करके पहन के देखने का ऑप्शन मिले। तो चलो अभी नया नगर जाते हैं, वहाँ पे स्टूडियो पे जाके फिर मिलते हैं। गाइस ये रहा नया नगर वाला स्टूडियो, आयास का तो पीछे का साइड देख के आज मैं फिदा हो गई हूँ, मस्त बॉडी बन गई है देखो गाइस, यहाँ का बाहर से देख के मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई स्टॉक है। तो चलो अभी अंदर जाते हैं एंड देखते क्या पसंद आता है, मैं फिसल रही। तो गाइस ये रहा आयास, ये चूज कर रहा है, एक हो गया उसका चूज करके, ब्लैक जीन्स, हाँ ये सही लग रहा है, खरीदना है सेम तो स्टूडियो आ जाओ नया नगर वाला कोई भी। और चलो अभी ये हो गया, ये फाइनल, हाँ तो ये डालो तो इसमें, चलो बाद में मिलते। तो गाइस मेरा शॉपिंग हो गया फाइनली, दिखा जैसी थोड़ा, अच्छा इधर ऊपर गाइस मेरा शॉपिंग हो गया फाइनली, मोटी दिखाएगी आप लोग को, दिखा रहे थोड़ा गाइस, मेरे को ये वाली सैंडो लेना था जिम के लिए, तो ये ले लिया मैंने गाइस। चलो अभी हम लोग का
शॉपिंग करके हो चुका है यहाँ पे रायल मचा दिए गाइस मचा आए बैग देखो रे 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 पटेल शॉपिंग किया है आयाज ने मुझे भी शॉपिंग कराया है गाइस एंड मैंने ज़्यादा सामान नहीं लिया मेरे को जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो लिया एंड प्लस मेरी मम्मी बर्थडे सुन लो हाँ पहला आयाज फिर मेरी माँ फिर मेरी बहन सबके गिफ्ट ले लिए हो गए आयाज को जो मैंने गिफ्ट दे दिया वो दे दिया बाकी उसने जो शॉपिंग कर लिया वो उधर है मम्मी का और मेरी बहन का भी गिफ्ट उसमें हम लोगों ने ऐसा खेल किया मम्मी का साइज नहीं पता था मम्मी का चिक चिक रहता है ये नहीं उसको दिखाया कुछ और हमने लिया कुछ और है क्योंकि उसको एकदम जगा मगा माला बगा वाला पसंद है तो हमने वैसा वाला लिया गाइस आयाज जो है ना वो घर पे जब ये ना सब चेक करेगा तो उसका क्लिप मैं आपको इधर दिखा दूंगी जो हम लोग ने लिया है एंड मैंने जो मम्मी के लिए और बहन के लिए गिफ्ट लिया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी तो अभी हम लोग रैप करने वाले हैं गिफ्ट को तो चलो फटाफट से जाते हैं स्टेशनरी रैप करते हैं बारिश होने वाली पता नहीं हो रही है ड्रिजल हो रहा है भाई चलो जाते हैं गिफ्ट रैप कराते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं लोग कहाँ आए आयाज अभिषेक होटल क्या कर रहे हो लगी है और चाय की प्यास तो अभी चाय पियेंगे खाएंगे एंड फिर उसके बाद रैप कराने जाएंगे गिफ्ट एंड उसके बाद फिर देखते हैं और क्या करते हैं ना बने रहो गाइस अभी संडे खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्तों गाइस हम लोग का सैंडविच आ गया ये रहा टोस्ट वेज टोस्ट सैंडविच है ना हाँ टेस्ट करके बताता हूँ टेस्ट करो इधर फर्स्ट टाइम इधर सैंडविच खा रहे पहले बार इधर का सैंडविच खा रहे कहाँ से डालो भाई डालो कहीं से डालना चाहिए था मेरे को चाय जल्दी आओ चाय लजीज 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 कैसा है मजा आया गाइस ये लोग का खाना ये सब बहुत अच्छा होता है गाइस कसम से क्योंकि प्योर वेज है ना इसलिए इनको अच्छा लगता है गाइस मेरे को बर्थडे का बताना है हमारा बर्थडे का शॉपिंग हो गया प्रिपरेशन चल रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है जोशी के मदर मेरी जो है उनके भगवान उनका भी बर्थडे तो जोशी के घर पे भी इंशाल्लाह केक कट करेंगे और मेरे घर पे भी इंशाल्लाह केक कट करेंगे मस्त इंजॉय करेंगे और हम लोग का दो ब्लॉग आए मतलब पार्ट वन पार्ट टू आएगा शायद अगर बड़ा रहा तो पार्ट वन पार्ट टू करेंगे तो आप वो ब्लॉग भी देखना हमारे साथ बने रहना हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है वो बताओ कमेंट करो सजेस्ट करो गए बर्थडे पे तो आया जिससे ज़्यादा खुश था क्योंकि उसको आईफोन गिफ्ट मिला था और मेरे को तब से ताने मिल रहे मेरी माँ से कि बॉयफ्रेंड को गिफ्ट मिला आईफोन और माँ को मिला मोबाइल का कवर नहीं मैं मम्मी को भी गिफ्ट दूँगी अच्छा वाला दूँगी खाने में बिजी है तो गाइस हमारा फेवरेट टी आ चुका है तुम्हारा फेवरेट ग्लास और मेरा फेवरेट कप चटके लगेंगे पूरा स्ट्रेस खत्म और बॉडी बॉडी तो आज जैसे भी बोल रही थी क्या बोल रही थी जैसे की बॉडी एकदम ब्लैक कर दी है बॉडी जैसी बॉडी हो गई है तुम्हारी शर्ट भी इतना टाइट टाइट पहना है तुमने नहीं शर्ट क्या बोलते हैं इसको टी शर्ट भी इतना टाइट पहना है कि तुम्हारे डोले बॉडी सब दिख रहा है मेहनत कल मंडे कल बैक बाइसेप है गाइस आप लोग आना मेरे ब्लॉग में देखना हाँ हम लोग आ गए थे गिफ्ट रैप कराने के लिए अभी मेरे घर का रैप हो रहा है ये अलग रहेगा और ये अलग रहेगा और वो अलग हाँ तीनों अलग अलग यहाँ पे अज्जू भी करा रहा है उसको ब्लू कलर है ना इसको ये वाले कलर में करना ये वाले में तीनों भी अलग अलग कलर में कर दो हाँ चलेगा तो चलो गिफ्ट रैप करते हैं एंड फिर आया जाएगा उसके घर पे उसकी मम्मी को ये सब सामान दिखाने के लिए क्योंकि तब तक दिखाएगा नहीं उसको खुशी मिलेगी नहीं वीडियो भी वहाँ पे हाँ वो आ गया दिख जाएगा आपको तो चलो मिलते हैं मैं घर पे पहुँच गया हूँ अली बा देखो सकीना का गिफ्ट ये जूता देखो अच्छा है बूढ़ा ये जूता लाए देखो नानी ये सब कपड़े गाइस देखो तो गाइस ये सकीना का गिफ्ट है और अलीबा का गिफ्ट अलीबा तेरा गिफ्ट किधर है ये देखो गाइस सकीना का गिफ्ट बढ़िया है अभी तब्बू उल्लू का भी किधर गया तब्बू अभी तब किसका बर्थडे आएगा इसके बाद बहुत अच्छा है कैसा लगा भाई अच्छा लगा अच्छा लगा।
हे मुन्नी कैसे है जूता क्या? अम्मी बोल रही काली पराजित बोल रही। तो गाइस अभी मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस हम लोग आ गए वर्धमान। ये पब्लिक बहुत ज्यादा है, हम लोग खुद बहुत सालों के बाद आ रहे हैं। मतलब अभी वीडियो अलाउड है भाई इधर वर्धमान में? हाँ, पहले अलाउड नहीं था, पहले पैसे भर के मतलब एक्स्ट्रा कैमरा सीरीज के पैसे भर के जाने पड़ते। तो मोबाइल है ना, मोबाइल का टेंशन नहीं है ना। हाँ, कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। मोबाइल कैसा लग रहा है आपको वर्धमान में आके? बहुत सालों बाद आए गाइस। काला तो नहीं दिख रहा हूँ ना मैं? नहीं, ये साइड आना ब्रो। अरे गोरे ही दिख रहे हो। तो बहुत साल बाद आए हो गाइस। मैं हम लोग मतलब इसके लिए आए, फिटनेस क्या है, फिटनेस डांस फिटनेस या कुछ तो है, फिटनेस डांस का इंक्वायरी करने आए यहाँ पे। डांस क्लासेस, ये क्लासेस है तो वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आए। तो अभी क्योंकि वहाँ पे आया जाके डांस करने वाला है, तो सीखना है, इसको सब करना है। तो चलो अभी जाके वर्धमान में गेट नंबर 5 है, वहाँ पे जाके ढूंढते हैं कहाँ इसका डांस क्लासेस, इंक्वायरी करते हैं। चलो ये है फिटनेस सोशल, वो भी उनका बड़ा वाला है, और ये भी है बड़ा, ये रहा आयाज। तो क्या हो गया आयाज, इंक्वायरी करने मिला? बंद है गाइस, क्या कर सकते हैं, मतलब कोई है बट आई थिंक शायद वो बिजी होंगे या सो रहे होंगे, पता नहीं। टाइमिंग में मैच नहीं करेगा, फिर भी एक बार देखेंगे, इंक्वायरी करेंगे। क्योंकि आयाज को जॉब से घर आते आते ही 8:30-9 बज जाते हैं, एंड उनका डांस का क्लासेस का टाइमिंग ही 9 बजे तक है। तो अभी देखते हैं आयाज कैसा फिगर करता है, या तो आयाज को और कोई डांस क्लासेस देखने पड़ेंगे, है ना, जो तुम्हारे टाइम को मैच करे अज्जू। बराबर। क्योंकि सुबह में तो ये जिम जाता है, तो डांस क्लासेस कैसे जा पाएगा। एंड गाइस सबसे मेन चीज़ ये देखो, अगर आप लोग मीरा रोड में रहते होंगे या आपने कभी वर्धमान आए रहेंगे, तो यहाँ पे जो है ना बैठने के लिए जगह हुआ करती थी पहले, जहाँ सब कपल्स फैमिली फ्रेंड बच्चे बैठ के इंजॉय किया करते थे। एंड अभी इतना अपडेट कर दिया कि उसको पूरा कवर कर दिया। देखो यहाँ पे ये पूरा क्लीन कर दिया है, एंड यहाँ पे अभी सिर्फ बोटिंग के लिए रखा है। वहाँ पे लेक व्यू रेस्टोरेंट है, ये साइड में गणपति का विसर्जन होता है, वो साइड पे बोटिंग होता है। एंड इतना अपडेट हो गया है कि पहले के टाइम पे ना यहाँ पे वॉशरूम हुआ करता था, अभी भी है बट वो बंद है। एंड अभी जो है वो 7 वंडर्स का जो मेन है ना, अलग अलग स्टैचूज, वो भी अभी ओपन कर दिया, वरना पहले बंद करके रखा था एंड पैसे लेते थे उसमें से अंदर से बस से जाने के लिए, बट अभी वो भी ओपन किया क्योंकि वो ना मेन अट्रैक्शन पॉइंट था वो पब्लिक के लिए, क्योंकि वो ही नहीं रहेगा तो फिर काय का 7 वंडर्स वर्तमान, है ना। तो अभी चलो वो भी हो गया है। एंड प्लस अभी नए जगह पे उन्होंने वॉशरूम्स भी ओपन किए, जहाँ पे करके आप यूज़ कर सकते हो। अभी वो कितना है पता नहीं, बट जब भी मैं आऊँगी वापस से मैं आपको उसकी भी प्राइस बताऊँगी आगे ब्लॉग में। हम लोग बच्चे लोग को लेके आने का भी प्लान कर रहे हैं, है ना आयाज? हाँ, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ या ये मंथ जो भी रहेगा वो। ये मंथ तो पॉसिबल, ये मंथ तो हाँ डाउटफुल है, ये मंथ में सबके बर्थडेज है, फीस्ट है, तो नेक्स्ट मंथ में प्लान करेंगे। तो चलो अभी मेरे को जाना है नया नगर, मुझे लेना है रोटियाँ, तो चलो फटाफट से नया नगर जाके फिर आपसे मिलते हैं। तो हम लोग आ गए ये बिस्मिल्लाह होटल में, जहाँ से लास्ट टाइम आपने मेरे डेली ब्लॉग में देखा था कि आज हम लोग ने चपातियाँ ली थी। मैं यहाँ पे आयाज भी है, तो आयाज भी आज यहाँ पे खाना ट्राई करेगा ना, फर्स्ट टाइम हैदरी चौक पे गाइस खाना खा रहे। इतने इधर रह के भी तुमको नहीं पता था ना, मतलब होटल पता था कि यहाँ पे क्या है क्या फेमस है वो तुमको नहीं पता, कभी देखा ही नहीं कभी आए नहीं। हाँ वही, तो ये जो जगह है ये जॉइना का फेवरेट जगह है, जॉइना यहीं पे आके नंदी निहारी चिकन कोरमा वगैरह वो सब खाती है। आप रहेगा भाई? हाँ। तो चलो अभी हम लोग भी खाते हैं। जॉइना यहाँ पे है नहीं, जॉइना घर पे है, वो ब्लॉग देखेगी तो बोले यार अकेले अकेले खाया। तो हम लोग यहाँ पे आए थे मेन मतलब चपाती लेने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मीरा रोड पे जब आएगी तभी चपाती लेके आना, तो हमने ऑर्डर दे दिया है, वो तब तक बन रहा है। तब तक मैंने और आया था बोली चलो एक ट्राई कर ही लेते हैं, तो चलो अभी ट्राई करते हैं, आने के बाद फिर आपको बताते हैं कि आयाज को कैसा लगा, क्योंकि मैंने तो लास्ट टाइम खाया था, तो अभी आयाज की बारी है। गाइस ये रहा नल्ली निहारी, और ये रहा चपाती, और ये रहा आयाज अभी खाते हुए। लो डिप करो अच्छे से, अच्छे से मसाला लो पूरा, तेल मत लो, तो अभी खाओ। कैसा लगा? प्रॉपर मुस्लिम रेसिपी टाइप डिशेज है, ऐसा लग रहा है हम लोग पंजाब गांव में ना, पाकिस्तान में। ए बैल, ऐसा नहीं लगा कि तुम गांव में हो, गांव का टेस्ट ना, मसाले पूरे एकदम मस्त लग रहा है ना। तो चलो अभी मैं भी खाती हूँ, मेरे रिव्यू की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पे खा चुकी हूँ एक बार, मेरी बहन के साथ और एक बार हम लोग घर पे भी लेके गए थे, तो मैं ढूंढती हूँ एक बार रोटी लेके फिर मैं निकलती हूँ। बाय। तो गाइस हम लोग स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन भी आ गए और जोशी जा रही है इधर। बाय मोटी, बाय बाय, मिलते हैं बर्थडे के दिन। प्लेटफॉर्म नंबर
तो गाइस जजी भाई बोल दो लास्ट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस चलो अभी मैं बाय करता हूँ जॉश को, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैं थोड़ा जल्दी में था तो इसके लिए वो दिखा नहीं पाया था, तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो ये शूज लिया है हम लोग ने, और ये सैंडो फॉर जिम, ये जिम के लिए लिया है, और ये बर्थडे के लिए लिया है, ये शर्ट टी शर्ट शर्ट जो भी है, और फिर उसके बाद ये लिया हमने। स्टूडियो बैग अच्छा है कि सब अच्छा क्वालिटी रहता है और सस्ता भी रहता है। ये देखो ये ब्लू कलर की शर्ट है, ज्यादा अतरंगी पसंद नहीं गाइस, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ सिंपल सिंपल वाला ही लिया है। और ये पैंट लिया, ब्लैक पैंट नहीं थी मेरे पास तो इसके लिए मैंने ये पैंट लिया, और ये सॉक्स लिया। तो चलो गाइस अभी आगे मिलते हैं, बाय बाय। हे गाइस तो मैं पहुंच गई हूँ मेरे बिल्डिंग के नीचे, ट्रेन इतनी जल्दी आ गई थी, हम लोग जैसे पहुंचे तो भागना पड़ा फटाफट, हम बरोबर शूट नहीं कर पाई, बट आयाज ने शूट किया है। तो चलो बस आज के लिए यहीं पे हम लोग ब्लॉग एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।